अस्सलामु अलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सासबो स्टाइल चैनल। आज हम बनाएंगे केएफसी चिकन। बाहर तो ये बहुत ही महंगा होता है, तो आज हम ये रेसिपी घर पर ही बनाएंगे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो हमने चिकन को अच्छी तरह से धोकर काट लिया है। आप चाहे तो नॉर्मल पीस भी ले सकते हो। तो हम लेंगे कॉर्नफ्लोर हाफ कप, मैदा हाफ कप, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, दो अंडे लेंगे और ओट्स, दूध हाफ कप, नमक स्वाद अनुसार। ये हिपीमा क्रिस्पी फ्राई मिक्स है, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बेसन और राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पे मिल जाएगा। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर, मैदा, लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, हमने यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिर्च ली है, नमक 2 टेबल स्पून, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हाफ कप दूध और जितना पानी लगेगा उतना पानी डालकर एक अंडा भी ऐड कर लीजिए। अब हम 15 से 20 मिनट तक चिकन को रेफ्रिजरेटर में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मिर्ची हमने ज़्यादा ली है तो इसका रंग चेंज हो गया है। अब हम ओट्स को हल्के से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, ज़्यादा नहीं। ये हिबीमा क्रिस्पी फ्राई मिक्स है, इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए, थिक पेस्ट। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप बेसन और राइस फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, इससे चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनता है। अंडे को नमक डालकर मिला लीजिए। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दें, आंच को मीडियम फ्लेम में रखें। तो सबसे पहले अंडे में डिप करें, फिर क्रिस्पी फ्राई मिक्स में और ओट्स से कोटिंग कर लें। चिकन फ्राई होने तक हम गार्लिक सॉस बना लेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होगा वेज मेयोनीज, ऑरेगानो सीजनिंग और गार्लिक पाउडर। गार्लिक पाउडर थोड़ा कम डालें। चिकन को दूसरी तरफ भी तल लें, ध्यान रखें कि जले ना। गार्लिक सॉस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हमारा गार्लिक सॉस तैयार है और क्रिस्पी फ्राई चिकन भी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, ध्यान रख के प्रॉपर वे में करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर करें और इन्जॉय करें ये डिलीशियस रेसिपी को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चिकन का जो पेस्ट बचा हुआ है इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें हम फ्राइज बनाएंगे। तो पोटैटो को फ्राइज की तरह काट कर पेस्ट में मिक्स कर लीजिए और नॉर्मली फ्राई कर लीजिए ऑयल में। इससे पेस्ट वेस्ट भी नहीं होएगा और दूसरी रेसिपी भी बन जाएगी। जिसको आलू नहीं पसंद है वो ऑनियन भी डालकर ये रेसिपी बना सकते हैं। तो पोटैटो वेजेस तैयार हैं। Enjoy this recipe. Thank you for watching. Allah Hafiz.